कितना सुंदर गांव है दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, फ्रेश आलू। ये देखिए दोस्तों, ये ब्रोकली, ये जड़ी बूटी है। हरिओम दोस्तों, सुबह के करीब 11:30 बज रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले की परोट वैली में अभी मैं हूँ। और देखिए यहाँ पे डैम है छोटा सा, बाकी पीछे देखिए पहाड़ियाँ। आप ब्रिज के इस साइड ब्रोड की मार्केट है जो काफ़ी छोटी है, बाकी जब आप ब्रिज क्रॉस करोगे तो पार्ली साइड होटल्स हैं। आजकल ऑफ सीज़न है तो मुझे 500 रुपये में रूम मिल गया था। वही रूम जब ऑन सीज़न होता है तब 1500 रुपये तक बिकता है। यह है दोस्तों ब्रोड की मार्केट, काफ़ी छोटी है, बाकी साथ में यहाँ पे ब्रिज है। और यहाँ पे मैंने बाइक लगाई है तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। ब्रोड से मैं लगभग 3 किलोमीटर आगे आ गया और रास्ते में देखिए दोस्तों कितने सुंदर नज़ारे हैं। देखिए अभी 1 किलोमीटर पीछे डॉग मेरे साथ था। जब मैंने बाइक स्टार्ट की और चलना शुरू किया आगे के लिए इस रोड पे, तो मेरे पीछे दौड़ गया, फिर मैं रुक गया, फिर से भगाई और देखिए यहाँ तक पहुँच गया ये। आ ये देखिए सामने है पोलिंग विलेज, यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी है। और यहाँ से बरोट है 8 किलोमीटर, बोर्ड भी लगा है। ये देखिए, बाकी आप सामने देखिए कितने सुंदर सुंदर गांव हैं। वहाँ पे ऊपर बर्फ़ भी पड़ी है, आपको ढंग से दिख नहीं रही होगी, परसों तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी, दूर से दिख रही थी। कितना सुंदर गांव है दोस्तों, देखिए। इस रास्ते से मैं आया और आगे जा रहा हूँ पोलिंग विलेज की तरफ। बहुत ही सुंदर विलेज है, देखिए यहाँ पे भी गोभी लगाई हुई है, नीचे भी गोभी लगाई हुई है। पहले तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन भेज दी इन्होंने सब्जी मंडी में। छोटे छोटे कद्दू लगे हैं यहाँ पर। बाकी सामने एक शॉप है, वो भी आपको दिखाता हूँ। क्रीम रोल ले लिया मैंने खाने के लिए। देखिए ठीक है, वहाँ पे चिल्ले स्टार्ट हुई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए मेरी उंगली के पास, हाँ वहाँ जैसे मुझे भेड़ बकरियाँ दिख रही है। वहाँ तक पहुँचा माल अभी? अभी यहाँ तक पहुँचा। जब बर्फ पड़ता जाएगा नीचे नीचे आते जाएगी, जैसे जैसे बर्फ पड़ता जाएगा नीचे नीचे आते रहेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब कुत्ते बढ़िया होते हैं उनके पास, गद्दियों के पास? गद्दियों के पास हाँ, बढ़िया से बढ़िया। पहले जो आते थे वैसे नहीं होते अब? नहीं नहीं, पुराने तो वो अलग ही बात है, अब कुत्ते की भी चेंजिंग हो गई है, मिक्स ब्रीड हो गई है। हाँ पहले तो बकरे की तरह बड़े बड़े होते थे, बकरे की तरह बड़े बड़े होते थे, अब छोटे छोटे हैं, अब इतने बड़े नहीं है। पहले तो हमारे पास भी भेड़ बकरियाँ थी। कितनी? हमारे पास 150 के लगभग। 150? हाँ जी। तो फिर कुत्ते उस टाइम हमारे पास काफी बड़े थे। कितना? और दो कुत्ते मतलब भालू को आना नहीं देते थे। भालू को? हाँ, बकरी के अंदर आना नहीं देते थे। ये यहाँ की ड्रेस है ऐसी, ये देखिए। ये इसमें सब्जियां लाएंगे? हाँ जी। अच्छा अच्छा, इसको हम किरडू कहते हैं। किरडू? हाँ जी जी। तो देखिए यहाँ की पोशाक है, बहुत सारी मैंने औरतें देखी जो कि इसी पोशाक में यहाँ पे रहते हैं। सोने के कांटे हैं ना ये? जी जी। बाकी नाक में भी सोने की, दोनों साइड कहते हैं। हाँ हाँ, और दूसरे कान में ये चांदी के। अच्छा, कान में चांदी के? चांदी के। और गले में? गले में भी चांदी के ही है, माल कहते हैं इसको। और ये यहाँ पे ये जो गोल सा बांध के रखते हैं, ये इसको हम गात्रू कहते हैं। गात्रू? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये तो जो मर्द होते हैं वो भी लगाते हैं? हाँ, उसको डोरा कहते हैं। अच्छा, डोरा जो मर्द लगाते हैं वो डोरा, जो औरतें लगाती हैं वो गात्रू? गात्रू। अच्छा अच्छा, ये वैसे किस लिए लगाते हैं? क्योंकि ये देखो ये बूढ़े हो गए मतलब इसकी नाक में पीड़ होती है, फोटो के लिए तो लगाना पड़ेगी नहीं तो खुला हो जाएगा। देख लो पार। अभी मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, बाकी मुझे देखिए पीछे औरतें देखिए आती हुई। ये आलू हैं? है, रुको दिखाना 2 मिनट। देखिए दोस्तों फ्रेश आलू। ये आप लाए कहाँ से? खेत में। ऊपर से? नीचे से। अच्छा अच्छा, और आप लगाते क्या क्या हो खेत में?
आलू के अलावा? आलू, गोभी, रोंगी, राजमा, मटर और क्या, काठू ब्रेस, गांगड़ी। काठू ब्रेस गांगड़ी, ये तो मैंने पहली बार सुना नाम। छोटे छोटे बच्चों ने बैग रखे हैं यहाँ पे चटाई पे, लड़कियाँ नाटी डांस कर रही थी अभी, कैमरा देख के शर्मा गई। अच्छा, बड़ा स्कूल ये है ऊपर, छोटा स्कूल यहाँ है नीचे। गांव के बीच में मैं पहुँच गया हूँ। देखिए यहाँ पे एक घर में एक गद्दी नस्ल की बकरी अपने मेमने को दूध पिला रही है। बाकी यहाँ पे देखिए पीछे इन घर के जो ओनर हैं वो बात करने के लिए राजी हो गए, तो इनसे पूछते हैं इस गांव के बारे में थोड़ा बहुत। बाकी उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये लकड़ियाँ आपने स्टोर करके रख दी है पहले ही? बर्फ पड़ती है ना यहाँ। अच्छा, अब जाड़ों ये मौसम आ गया, अब दिसंबर ये नवंबर से लेकर तो लगभग मार्च तक बर्फ पड़ सकती है। देखिए हर घर में यहाँ पे लकड़ियाँ आपको स्टोर की हुई दिखेंगी, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाती है फिर तब काम में आती हैं। ये सारा लकड़ी से बना हुआ है? लकड़ी का, पत्थर और लकड़ी का। पत्थर और लकड़ी का। और ये आपकी गाय है? गाय। अच्छा, ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे मेमने कैसे इनके लिए घास लगा दिया है यहाँ पे। बाकी ये घास आप कहाँ से लाते हो? घास जंगल से, खेतों से। ऊपर आपको जो टेंट दिख रहा है ना नीला सा, यहाँ मटर लगाए हुए। अच्छा, मटर लगाए हैं? मटर लगाए जंगल में। अच्छा, तो ये टेंट क्यों लगाया है ऊपर टॉप पे? यहाँ क्यों, पहरा नहीं करना है इसके लिए। अच्छा, पहरा करना पड़ता है? और बंदर नहीं आएंगे? बंदर आ जाते हैं यहाँ? बंदर आएंगे। और चोर? चोर नहीं आएंगे, चोर नहीं आते। अगर ये किसी शहर की बात होती तो चोर बहुत होते हैं, लेकिन पहाड़ी लोग बहुत ईमानदार होते हैं वैसे। खेत से नहीं जाएगी चीज। और भालू वगैरह आते हैं यहाँ? भालू आते हैं। आते हैं? आपने, आपको मिला है कभी? बहुत बार। बहुत बार? बहुत बार। कहाँ जैसे? जंगल में लकड़ी लाने के, घास लाने के। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया भेड़ है ये। अच्छा, ये आपने खुद लगाए? खुद लगाए। अच्छा, ये पीला राजमा है। हाँ, ये चित्रा राजमा है। ये चित्रा राजमा, ये पीला राजमा, इसको सूप बोलते हैं। जैसे दोस्तों मैं घूमने के लिए आया हूँ वैसे ये भी आए हैं अंकल आंटी पालमपुर से। आगे आपने शॉप से लिए? हाँ, हमने शॉप से लिए। तीन किस्म के? तीन किस्म के। 140, 160 और 200। अच्छा, 140, 160 और 200 रुपए किलो मिले इनको। अच्छा, ये देखिए आपने पहले भी खाए हैं ये? बहुत। कैसे होते हैं? तो स्पेशल आए हैं। स्पेशल आए हो? राजमा खरीदने ही आए स्पेशल। सच में? और लास्ट गांव देखने आए। आप कहाँ से हो? मैं तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जुखाला वैली। और मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता, ना जियो का ना एयरटेल का। तो वैसे लोग फोन पे लगे रहते हैं, यहाँ पे तो काम ही करना पड़ता है। है ना? नहीं है ना? नेटवर्क। आपने पहले भी खाए ना राजमा, तो कैसे लगे थे आपको? बहुत टेस्टी है। टेस्टी? बहुत टेस्टी है। आप भी खाना, आप भी ले जाओ। प्योरली ऑर्गेनिक भाई साहब, इनको प्योर ऑर्गेनिक। पानी में जैसे हम किसी राजमा को भिगोते हैं ना, इनको भिगोना नहीं पड़ता है। अच्छा, इसको कुकर में डालो, चार पांच पीसने लगाओ, मतलब ही नहीं है कि ये साथ ही तड़का, इसका स्वाद बिगड़ जाए, बिगड़ जाता है। मैं 79 में पड़ा हूं। अच्छा, 79 में? आप माँ भी उगाते नहीं? अच्छा, माँ नहीं आता, वो गर्म लाके का ना माँ। अच्छा, चंबा से मटर लगाते हैं ये? मिले ही नहीं मटर, मिले ही नहीं हम तो, नहीं तो मटर वो लगाए, वो जो ऊपर नहीं है लगाए, शाम को आएंगे मिल जाएगा वो है ऊपर लगे। हाँ, वो जो टेंट दिख रहा है आपको। अच्छा, ये मटर है सारा? हाँ जी। अभी गए होंगे तोड़ने, इसका यूट्यूब देखना, BHAYITHU। क्या है? BHA बी कौन सा? बी टी वाला, बी फॉर बॉल वाला। YITHU YITHU। मैं सोच रहा था पहले नाम चेंज करने की, लेकिन कोई नाम ही नहीं मिला मुझे, तो अब सोच रहा हूँ यही ठीक है। क्या भाई तू? हाँ जी, नाम नहीं मिल रहा कोई। बैठू। ठीक है सर। तो अभी हम आपको राजमा दिखा रहे थे, दिखाते हैं फिर से। आपके पास दो ही किस्म है? और भी है। और भी दिखाओ।
पहले यहाँ पे हिमाचली गौरी नस्ल की गायें होती थी, जो कि बहुत छोटी होती थी हाइट में, हिमाचल की नेटिव ब्रीड। लेकिन अब बाहरी ब्रीड लोग ज़्यादा रख रहे हैं। देखिए ये भी गौरी नहीं है। अच्छा दिखाना जरा, ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली गोभी है यहाँ की किसान की। थोड़ा सा क्या होना ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली है। ये देखिए दोस्तों ये ब्रोकली, इन्होंने भी उठाई है। ये भी है। अच्छा ये ढक के रखी है ना। कितनी दूर से लाए आप? अच्छा ओ दोस्तों ऊपर देखिए पहाड़ी के टॉप पे जो टावर है वहां से लाए। से पीछे ए घुटना है बोनना रे जा। ये अनाज ऐसा है, इसकी एक कहावत है कि कोदरा राजा जालू से कुता लीता जा। अब रोटियां बनाएंगे ना आप तो फिर जैसे कल ठंडी हो जाएगी, गर्म करो बस ऐसे लगेगी ताजी। अच्छा ताजी बनी हुई है इसकी रोटी? इसकी रोटी। अच्छा मंडल है, कोदरा भी कहते हैं इसको देसी भाषा में हम अपनी। अच्छा मंडल। और ये वाली क्या चीज है? कौन ये मटोशल है। ये क्या होता है? ये जड़ी बूटी है एक। इसका क्या यूज है? इसका यूज करते हैं मालिश मुलिश। अच्छा जैसे बच्चों को पुराने जमाने में लाज नहीं होते थे ना, तो देसी में इसका कूट कूट के क्या बुजुर्ग लोग मालिश मुलिश बच्चों को करते थे। अच्छा। और ये कड़ू है, ये कड़ू है ना। अब आपको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नाम ही कड़ू इसका नहीं कड़वा। दवाई खाने की जरूरत भी नहीं आपको, तो फिर शाम को एक रोटी ज्यादा खाएंगे। आज आप खाओ आ जाओ, कड़वा है बस। तो फिर क्या, ये तो असली चीज है, ले जाओ अंदर, कोई किसका ही नहीं है। बहुत कड़वा है। कड़वा क्यों है? इसकी यही तो है खासियत, कड़वा, नाम ही कड़ू है इसका। ये इन्होंने सिर्फ सैंपल रखा है, बाकी ये बेचते नहीं है इसको, और ये ऑफिशियली बिकता भी नहीं है। और सच में दोस्तों बहुत ही कड़वा था, जैसे काला माल होता है ना फीम कड़वा। इतना तो मत बोलो आप। नहीं नहीं मैं थोड़ी खाता हूँ, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ। इसको थाल को उठाना, नागक्षत्री दवाइयों में मेडिसिन में यूज होता है। रासायनिक खाद हम खरीदते नहीं। अच्छा गोबर ही? गोबर की खाद का प्रयोग। ये कितना रुपए किलो है? ये तो नीचे तो यहाँ ब्रोट में तो 150-200 रुपए किलो बेच गए हैं। रेट तो खैर मंडियों के ना ऊपर नीचे उस हिसाब से चलता है, तो लोगों को भी आज ठीक माल मिलना चाहिए, अच्छी चीज़ें मिलना चाहिए, वो पैसे की ये नहीं करते। मैं चीज़ शुद्ध हो, मेहनत भी है, मेहनत ज़्यादा है। क्यों? उन्होंने तो स्प्रे की और घास नष्ट कर दिया, अब हमने तो घास निकालना, इतना खेत होगा तो शाम तक लगे रहेंगे हम इसके लिए। ये है बाकी, ये दिखाओ। अब ये करेला है, मीठा करेला, करेला है ये, कड़वा नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो के है। राजमा सफेद चित्रा है। सफेद चित्रा? हाँ, ये जो ये मैंने कहा ना 170 तक इसका रेट, काला चित्रा सफेद चित्रा सारा लगभग 170 तक इसका रेट है। रोंगी है अब, ये भी नहीं बनाई है, ये तो सैंपल है। ये सैंपल है अभी? हाँ बनाए नहीं अभी अच्छी ढंग से। अच्छा अच्छा। तो ये कितने रुपए किलो है रोंगी? रोंगी जाती है 100 रुपए, 100 रुपए तक दे देते हैं। पीला राजमा है तो आपने देखा होगा मंडी में, पीला राजमा। इसका रेट तो आप समझ लो कि 200 के ऊपर ही होगा। सबसे ज्यादा इसका है? बराबरी समझो आप उस काले चित्र के साथ, तो 200 में तो ले गए वो। और ये आलू है, ये खुद लगाया है? खुद, कोई इसमें भी हमने रासायनिक खाद नहीं डाली है, इसलिए इसका साइज छोटा है। खाने को ऐसा है कि जैसे मीट की तरी होती है ना, मीट की तरी, हाँ जैसे मीट की तरी की तरह, अगर इसको हम काट के बना लें ना, तरी भी काम देगी इसका। बाकी आलू जो है ना उसमें तरी बनाएंगे तो आलू खाने को नहीं रहेगा। ये तो बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट है, क्या खाना है। और ये कद्दू?
एक गेंगरी है, गेंगरी है, गेंगरी गंडोली बोलते हैं इसको। अच्छा, और ये भी गंडोली है, ये कद्दू, ये भी गंडोली है। हाँ, ये कद्दू, ये कद्दू है, कद्दू है। मैं बता रहा था पहले कि बरोट में ही लोग घूम के वापस हो जाते हैं। मैं बरोट से 8 किलोमीटर आगे आया हूँ अभी। बहुत सारे गांव आपको ऐसे दिख जाएंगे पहाड़ियों पे, और मैंने पहले यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी इस इलाके की जो ऐसा एक्सप्लोर किया हो जिसने। आप इनसे ऑर्गेनिक सामान लेके जा सकते हो, क्योंकि देखिए इन लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। शहरों में तो सब कुछ वैसे मिक्स ही मिलता है, हर चीज़ में मिक्सिंग है। देखिए करेले इन्होंने मुझे दे दिए थोड़े से, इनके पड़ोसी हैं जो, इनकी भी काफ़ी भेड़ बकरियाँ थी। 2 साल पहले इन्होंने सारी बेच दी, हमारे इलाके में आते थे उन भेड़ बकरियों को लेके सर्दियों में। वहाँ पे हैं छोटे से पपीस भी हैं, इनकी मदर पता नहीं कहाँ होगी, डर रहा है अभी, तो इसको छोड़ के चलते हैं यहाँ से। अच्छा, ऐसे बनेगी वीडियो, कैमरा बड़ा अच्छा है ना, क्या तेरे फोन दे होने इंडियन कैमरा। ये क्या, ये तो बैटरी बॉक्स है, बैटरीज हैं, 3 बैटरियाँ डलती है ना इसमें एक ही बार में। नहीं नहीं, प्रेस टू ओपन, ये खोलने के लिए, ये दबाया ना इसको खिंचो अब ऊपर को रखो। ये देखो 3 बैटरियाँ हैं, ये छोटी छोटी, यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, ये छोटी छोटी बैटरियाँ, फिर इनको ठहर, ये खींच देनी। हाँ, खींचो ऊपर को, किधर, ये देखो इतनी बड़ी बैटरी होती है ना। अच्छा, आधी कैसी है, ये चार्जिंग पॉइंट, तीनों इकट्ठे होती रहेगी, तीनों इकट्ठे चार्ज हो जाती हैं। अब जैसे मैं कहीं घूमने के लिए गया हूँ जहाँ लाइट नहीं है, तो चार्जिंग तो ज़्यादा लगेगी ना, ज़्यादा बैटरियाँ चाहिए, तो इसके लिए ये एक एक बैटरी निकालते रहे, जब ख़त्म होती रही चार्जिंग। कितने का मिलता है ये, पड़ा मुझे लगभग 5500 रुपये का ये। 55, मैं भी चलता हूँ अब ना। अरे बैठता हूँ, कब सोमवार फिर चले जा, मोटरसाइकिल तो है तेरे पास, मोटरसाइकिल तो है, पर बरोट यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। 8 मीटर आपको आधा घंटा लगेगा। वहाँ भी ऊपर शायद मुझे माल दिख रहा है, माल ये पत्थर है, ये कहाँ जैसे वो देखो ऊपर झीले नहीं है, क्या बोलते पेड़ है जो उनके बीच में ऊपर टॉप पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बकरियां बकरियां भेड़ा हैं। हाँ है ना, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ काफी ज्यादा है ये। अच्छा, ए ए ए और ए कितने में पड़ा, एक ए क्या है, ये अलग से लेना पड़ा मुझे। क्यों, ये माइक है, और ये जो इसका कवर है बाहर का, ये भी अलग से। फादर ने दिया, नहीं तेने दूसरा किया क्या, रुक में छोड़ी वो। शाम के करीब 5:15 हो गए हैं, पोलिंग विलेज से मैं आ गया, बरोट पहुंच गया, देख लीजिए 8 किलोमीटर है वहां से। तो अभी मुझे रहने का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कल तो मैं होटल में रुका था, वहां जैसे होटल, बीच में थोड़ी सी झील है, डैम टाइप है यहां पे, बाकी ऐसी लगती है मार्केट, यहां से ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहां से होती है एंट्री। और देखिए ट्रिपलिंग हो रही है दोस्तों बाइक पर।